हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एडजेक्टिव्स के बारे में एंड इसके टाइप्स। एडजेक्टिव्स होते क्या हैं? एंड एडजेक्टिव्स इज़ अ वर्ड दैट टेल्स अस समथिंग अबाउट अ नाउन, दैट इज़ अबाउट अ पर्सन, एन एनिमल, अ थिंग और अ प्लेस। एडजेक्टिव वो होते हैं जो किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में हमें कुछ डिस्क्राइब करते हैं या उसको कुछ मॉडिफाई करते हैं, उनको हम एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे कि अगर हम किसी पर्सन के बारे में हम उसकी तारीफ करना चाहते हैं, प्रेज करना चाहते हैं, ठीक है, तो उसको हम जो वर्ड यूज़ करते हैं वो एडजेक्टिव होते हैं। इसी तरीके से हम उसकी चाहे बुराई करें या तारीफ करें या उसकी अच्छाई करें, तो जो वर्ड हम यूज़ करते हैं वो एडजेक्टिव कहलाते हैं। नाउ काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स, देयर आर वेरियस काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। दीज आर, नंबर वन, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एन एडजेक्टिव विच टेल्स अस अबाउट द क्वालिटी ऑफ अ नाउन। किसी भी नाउन की कोई भी क्वालिटी बताता है उसे हम एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहते हैं। क्वालिटी जैसे कि आपका नॉटी हो गया, हार्ड वर्किंग, हाई बिल्डिंग, ये सारे क्वालिटी हैं, ठीक है। और इसमें दीज एडजेक्टिव आंसर द क्वेश्चन व्हाट काइंड ऑफ, यानी कि हम क्वेश्चन पूछते हैं व्हाट काइंड ऑफ, तो उससे जो आंसर मिलता है वो हमारा एडजेक्टिव होता है। फॉर एग्जाम्पल, ही इज़ अ नाइस बॉय, इसमें नाइस क्या है, एडजेक्टिव है, क्योंकि नाइस एक क्वालिटी है, वो लड़का जो है वो कैसा है, बहुत अच्छा है, नाइस है, इसलिए। तो व्हाट काइंड ऑफ अ बॉय, तो क्वेश्चन बना व्हाट काइंड ऑफ, तो आंसर मिलेगा नाइस। ओके, न्यूयॉर्क इज अ ब्यूटीफुल सिटी, व्हाट काइंड ऑफ सिटी, ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल एडजेक्टिव हो गया। इट इज अ हैवी बॉक्स, व्हाट काइंड ऑफ बॉक्स, तो कैसा बॉक्स है, वो हैवी है, तो ये क्वालिटी बता रहे हैं। तो क्वालिटी वाले जो वर्ड्स होते हैं उनको हम एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहते हैं। नेक्स्ट आपका है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, क्वांटिटी क्वांटिटी जिससे आपको पता चलता है मात्रा, कितनी मात्रा में कौन सी चीज़ है। और इसको एन एडजेक्टिव विच टेल्स अस अबाउट द क्वांटिटी ऑफ अ नाउन, किसी भी नाउन की जो हमें क्वांटिटी बताएगा वो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, सम मिल्क, ऑल वेल्थ, इनफ मिल्क, होल एप्पल एट्सेट्रा, ठीक है। ये मेनली अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, जो क्वांटिटी वाले होते हैं वो अनकाउंटेबल होते हैं, जिन्हें आप काउंट नहीं कर सकते। जैसे मिल्क है, मिल्क को आप काउंट नहीं कर सकते, इसलिए आप उसे क्या बोलोगे, सम, यानी कि थोड़ा कुछ मिल्क दे दीजिए। ऑल वेल्थ, सारी संपत्ति, इनफ मिल्क, होल एप्पल, इस तरीके से। दीज एडजेक्टिव आंसर द क्वेश्चन हाउ मच, तो इनका जो हम क्वेश्चन पूछेंगे हाउ मच पूछेंगे। द कैट ड्रैंक सम मिल्क, हाउ मच, कैट ड्रैंक, तो क्या बोलेंगे आप, सम, तो सम यहाँ पे हो गया एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। द माइजर लॉस्ट ऑल वेल्थ, हाउ मच वेल्थ ही लॉस्ट, तो आप बोलेंगे ऑल वेल्थ, इट मींस ऑल जो इसका आंसर आ रहा है वो है आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। देयर इज इनफ मिल्क इन द ग्लास, लीला हैज ईटन द होल एप्पल, इट मेक्स नो सेंस, तो ये जो हैं जो आपको हाईलाइटिंग कर रखे हैं ये सारे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हैं। इनका क्वेश्चन आप हाउ मच पूछेंगे तो जो भी आंसर आएगा आपका वो सब एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी होंगे, यानी कि जो आपकी मात्रा को बता दें कितना है। नेक्स्ट है एडजेक्टिव ऑफ नंबर, नंबर से ही आपको पता चल रहा है, इसमें नंबर जो भी न्यूमरल एडजेक्टिव होते हैं वो सारे आपके इसमें आएंगे। एडजेक्टिव ऑफ नंबर इज ऑल्सो नोन एज न्यूमरल एडजेक्टिव, इट इंडिकेट हाउ मैनी पर्सन और थिंग आर मेट, तो इसमें हम हाउ मैनी पूछते हैं। और जितने भी हमारे ऑर्डिनल नंबर होते हैं या कार्डिनल नंबर होते हैं सारे एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स में आते हैं। फॉर एग्जांपल, मैनी, फ्यू, टू, फोर्थ एट्सेट्रा। ओके, देयर आर मैनी एप्पल्स इन दिस बास्केट, तो हम पूछेंगे क्वेश्चन हाउ मैनी, तो कितने एप्पल हैं, बहुत सारे एप्पल हैं इसलिए मैनी। देयर आर फ्यू स्टूडेंट्स इन द क्लासरूम, क्लासरूम में कितने स्टूडेंट्स हैं, हाउ मैनी स्टूडेंट्स इन द क्लासरूम, तो आंसर मिला फ्यू। ओके, तो ये हो गया एडजेक्टिव ऑफ नंबर। एंड द नेक्स्ट वन इज डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, एन एडजेक्टिव दैट पॉइंट्स टू अ पर्टिकुलर नाउन, पर्सन, थिंग और प्लेस। ऐसे एडजेक्टिव जो पर्टिकुलर नाउन को पॉइंट आउट करते हैं, बताते हैं कि ये है, तो उसको हम डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दिस, दैट, दीज, दोज, ये जो वर्ड्स होते हैं ये सारे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होंगे। दिस अपार्टमेंट नीड्स टू बी पेंटेड, तो वो उसको पर्टिकुलर नाउन को क्या कर रहा है, पॉइंट आउट कर रहा है कि दिस अपार्टमेंट, ये जो अपार्टमेंट है इसको पेंट की ज़रूरत है। ब्रिंग मी दैट बॉयज़,
तो वो एक पर्टिकुलर बॉय को इंडिकेट कर रहा है, पॉइंट आउट कर रहा है कि वो बॉय को मेरे पास पास लेकर आओ। आई एम कीपिंग दीज पेंसिल्स। तो इसमें दीज जो है वो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, क्योंकि वो कुछ पर्टिकुलर पेंसिल्स होंगी वहाँ पे जो रखी हुई, तो उनके बारे में बात हो रही है। आई एम वॉचिंग दोज बुक्स। आई एम, तो वो बुक्स के बारे में बात हो रही है, इसलिए यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स हैं। या दिस, दैट, दीज, दोज, दे, ये सब क्या कहलाते हैं? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। नेक्स्ट है पोजेसिव एडजेक्टिव्स। एन एडजेक्टिव विच टेल्स अस अबाउट द ओनरशिप ऑफ अ नाउन। ओनरशिप का मतलब जो चीज़ आपकी है उस पर आप ओनरशिप दिखाते हो, वो सारे एडजेक्टिव जो होंगे वो होंगे पोजेसिव एडजेक्टिव। फॉर एग्जाम्पल, माई ड्रेस, योर बैग, हिज कार, हर पिन, देयर चिल्ड्रन। तो माई, योर, हिज, हर, देयर, ये सब हो गए पोजेसिव एडजेक्टिव। ओके, यू आर माई स्टूडेंट। अब इसमें वो कह रहा है कि तुम मेरे स्टूडेंट हो, तो यानी कि ओनरशिप दिखा रहा है, तो माई हो गया। योर कैप इज ऑन द टेबल, तुम्हारी कैप टेबल पर है, तो कैप किसकी है? तुम्हारी है। तो ओनरशिप किसकी हो गई? तुम्हारी हो गई, तो योर इसमें पजेसिव एडजेक्टिव है। हर ब्रदर इज वेरी रिच, किसके भाई की बात हो रही है? जो एक गर्ल है उसके भाई की बात हो रही है, यानी कि हर ब्रदर इज वेरी रिच, उसका भाई जो है बहुत रिच है। देयर क्लोथ्स आर वेरी गॉडी, उसके क्लोथ्स, तो देयर जो है वो पजेसिव, यानी कि जिसमें ओनरशिप बताएं वो पजेसिव एडजेक्टिव हो जाते हैं। नेक्स्ट है आपका इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव जिसमें आपको पता है कि क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं। एन एडजेक्टिव विच पोज क्वेश्चन इन एन इंटरोगेटिव मैनर, जिसमें इंटरोगेटिव मैनर में क्वेश्चन फ्रेम किए जाएँ वो इंटरोगेटिव एडजेक्टिव हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हुज हाउस, विच शॉप, एटसेट्रा, जितने भी डब्ल्यू एच वाले होते हैं, तो ये सब होते हैं क्वेश्चन वाले इंटरोगेटिव वर्ड्स होते हैं। तो ये विच गेम डू यू लाइक द मोस्ट, कौन सा गेम आपको पसंद है, सबसे ज़्यादा पसंद है? तो विच, वॉट, हुज, तो इंटरोगेटिव में आप डब्ल्यू एच वर्ड होंगे, क्वेश्चन मार्क होगा, इसे भी आपको पता चल जाएगा एडजेक्टिव के। एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव, एम्फेसाइजिंग होता है एन एडजेक्टिव दैट इज़ यूज टू एम्फेसाइज अ नाउन, यानी किसी नाउन पे जब हम किसी बात को प्रेशर दे के बात करते हैं तो वो एम्फेसाइज कहलाता है। ठीक है, तो जब किसी को, किसी भी नाउन को एम्फेसाइज किया जाता है, तो वो जो एडजेक्टिव होंगे वो एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव कहलाएगा। जैसे दिस इज़ माई ओन बंगलो, ये बंगलो किसका है? उसका अपना है, तो उसने ओन पे क्या किया? एम्फोसाइज किया, जोर दिया कि भाई ये उसका अपना बंगला है, मतलब उसके पेरेंट का नहीं है, उसका खुद का बनाया हुआ है, तो इसको एम्फोसाइज किया उसने, दिस इज़ माई ओन बंगलो। माई वेरी फ्रेंड अपोज्ड मी, कहता मेरा जो मेरा प्यारा मित्र था उसने मुझे अपोज किया, मेरा विरोध में उसने काम किया, तो ये वेरी जो है वो एम्फोसाइज हो गया। दैट इज़ द बॉय हु वन द प्राइज़, ये वो लड़का है जिसने प्राइज़ जीता था, तो वो हु जो है वो एम्फोसाइज यहाँ पे किया जा रहा है। तो ये थे आपके टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स। अब इसकी देखिए एक्सरसाइज को देख लेते हैं हम। अंडरलाइन द एडजेक्टिव इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड स्टेट व्हाट काइंड ऑफ एडजेक्टिव दे आर। इसमें आपको एडजेक्टिव को अंडरलाइन भी करना है और टाइप भी बताने हैं। अब देखिए इसमें इज दिस योर पेंसिल, अब इसमें क्वेश्चन मार्क भी है, इज भी है, तो ये जो है इंटरोगेटिव हो गया, एडजेक्टिव ऑफ इंटरोगेटिव हो गया ये। ही इज़ अ हैप्पी मैन, हैप्पी, हैप्पी क्या है? एक क्वालिटी है ना, तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हो गया। शी इज़ द फर्स्ट वुमेन आईपीएस ऑफिसर, इसमें फर्स्ट, मैंने अभी आपको बताया था जो भी कार्डिनल नंबर होंगे या ऑर्डिनल नंबर होंगे वो सारे क्या होंगे? एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स में आएंगे, तो ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर हो गया। बाकी की एक्सरसाइज आप खुद करेंगे। ओके, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दूसरा टॉपिक डिग्री ऑफ कंपेरिजन और इसकी पोजिशन बताऊँगी। ओके, थैंक यू।